नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस बिहार में और आपके साथ मैं हूं दीप तारण। भाजपा के कद्दावर नेता और भारत सरकार के मंत्री सह बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने फिर हमला किया है नीतीश कुमार के ऊपर। आपको बता दें कि कल एक सभा को संबोधित करते समय नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए गिरिराज सिंह के ऊपर तंज कसा था और गिरिराज सिंह को कहा था कि पीठ पीछे तो वो बोलते हैं पर जब सामने आते हैं तो हाथ मिला लेते हैं और दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं। उसी के पलटवार में अभी महज कुछ घंटों पहले गिरिराज सिंह ने भी एक ट्वीट किया है और ट्वीट में सादे शब्दों में उन्होंने नीतीश कुमार को जवाब दिया है। पहले आपको दिखाते हैं वो ट्वीट। हम उस ट्वीट में साफ तौर से गिरिराज सिंह लिखे हैं कि महादेव की दया से जो मुझे सही लगता है वो बोलता हूं, ना किसी के आगे बोलता हूं ना पीछे बोलता हूं और जो बोलता हूं उस पर अडिग रहता हूं। सीएम का गिरिराज पर बड़ा हमला, कहा पीछे में बोलते हैं अनाप शनाप, मिलने पर कहते हैं ये मेरा यूएसपी यही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार कल नव निर्वाचित सदस्यों की बैठक में सभा कर रहे थे। उस सभा में उन्होंने गिरिराज सिंह के ऊपर यह तंज कसा था और भाजपा के ऊपर वो इनडायरेक्टली हमला किए थे और कहे थे कि उनके पीठ पीछे भले ही जदयू का शिकायत किया जाए, नीतीश कुमार का शिकायत किया जाए, पर जब सामने बैठक होती है ऐसे स्थिति में गिरिराज सिंह जैसे जो नेता हैं जो बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं वे भी दोस्त की तरह व्यवहार करने लगते हैं, तो उसी का जवाब दिया है गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह अभी दिल्ली में हैं। उसके बाद की जो खबर है कि आज फिर से विधान परिषद की बैठक थी रविंद्र भवन में, जहां पर नीतीश कुमार ने अपने भाषण में ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जो 2020 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें एनडीए गठबंधन में लोजपा, भाजपा और जदयू साथ चुनाव लड़ेगी और 243 सीटों में कम से कम 200 सीट लेकर नीतीश कुमार फिर से 2020 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप देखिए इस वीडियो क्लिप में नीतीश कुमार का क्या कहना है गठबंधन को लेकर। हमको तो इसमें हंसी आती रहती है, कोई मेरा मतलब नहीं, जो मर्जी लिखते रहिए। लोकसभा के चुनाव के पहले क्या क्या कह रहे थे, विधानसभा चुनाव के पहले जो शुरू किए एक साल में याद नहीं है? 2010 में कोई कहता था, क्या कहता था 2010 में? कहता था किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। हम लोग को क्या आया था जी, 243 में 206 सीट तब तक वो जीता है। जितना मन करे उतना बोलिएगा, ऐसी तरह से 200 से बहुत आगे जाएंगे हम लोग, ये सब चिंता मत करिएगा। जिसको जो मर्जी आए बोलने दीजिए, जो मर्जी आए बोलने दीजिए, क्योंकि पब्लिसिटी के लिए बोलता है। अब बहुत आदमी निजी तौर पर मिलता है तो कुछ और बात बोलता है, कह देता है कि मेरा यूएसपी है। क्या करे, हम जब बोले ज्ञानवर्धन तभी मेरी पब्लिसिटी होती है, मेरा यूएसपी होती है। यह हमको सफाई देता कि मेरा यूएसपी है। अब आप लोग यूएसपी बनाए हुए चलाते नहीं, खूब बढ़िया, कोई मतलब तो है नहीं। अब बिहार में जितना काम हो रहा है, जितना काम हुआ ये देख लीजिए, आप लोग छापिए मत छापिए, जो काम का लाभ लोगों को मिल रहा है और जो लोगों का अनुभव है वो भूलने वाले नहीं है, उसको आपके पब्लिसिटी की कोई जरूरत नहीं। रोज ऊपर से नीचे निगेटिव पब्लिसिटी करते रहे, हमको कोई लेना देना नहीं। अगर इसमें मस्ती है तो मस्ती में रहिए भाई, कम खुशी की बात है कि हम पर अंड बंड बोल करके खुश हो रहे तो भूतमरी खुशी की बात है। आपको कम से कम मेरे चलते खुशी तो हो रही है, लेकिन आपको मुझ पर अनाप शनाप बोलने से खुशी होती है कुछ लोगों को, लेकिन बिहार की जनता को मेरे काम पर खुशी होती है और उनको काम का और जो मर्जी मर्जी करे जाकर के देख लीजिए, जितना मर्जी हो। क्या होगा कल लोकसभा के चुनाव में भी, क्या क्या लोग रिपोर्ट भेजते थे, एक से एक एक्सपर्ट लगा करके कैसा कैसा इंटरप्रिटेशन करते, और कितना दिन लड़ने वाले आपके बड़ा घमंड में बोलते रहते हैं, उनकी क्या हालत थी उनके इलाके में, कैसी फीलिंग? अरे हम लोगों के लिए काम किए हैं और वही लोग जो जुबान नहीं चलाते हैं लेकिन जिस दिन वोट देने का मौका आता है उस दिन पूरी मजबूती के साथ वो वोट देते हैं। हमारे राज्य की जो महिलाएं
हमारे राज्य में अल्पसंख्यक समाज के बहुत बड़ा तबका है, अति पिछड़ा, महादलित, ये सब लोगों के लिए जो काम हुआ है बिहार में लोग भूलते नहीं है। ये सूचियों को आनंद है क्योंकि तो क्या क्या करते रहता है, सोचता है कि जरा सा इधर से उधर कर दो, जितना मर्जी इधर से उधर कर लो, हमको कोई परवाह नहीं है, लेकिन बिहार में कोई बटने वाला नहीं है। और जो कुछ भी हम हासिल किए हैं लोगों की सेवा करके हासिल किए, जुआन चला करके नहीं, हम काम करते हैं। इसलिए भाई मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, एक बात को समझ लीजिए, कोई कुछ बोलता है उसके चक्कर में मत रहिएगा, अपना काम करते हैं। और आज अभी आरसीपी सिंह जी ने पूरी जानकारी दे दी इसके आगे हम लोग को क्या क्या करना है। अब प्रदेश स्तर पर चुनाव लगभग सब जगह हो गया, अब खाली राष्ट्रीय स्तर का चुनाव जो होना है वो हो जाएगा, वो अक्टूबर महीने में उसका शेड्यूल है, वो सब हो जाएगा। अब प्रदेश का चुनाव हो गया,